गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में लेक्चर सीरीज 49 को डिस्कस करेंगे। जैसा कि डियर हम लोग अभी तक कास्टिंग प्रोसेस को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कास्टिंग प्रोसेस को डिस्कस किया था। हम लोगों ने पढ़ा था इन्वेस्टमेंट कास्टिंग क्या होती है, सेल मोल्ड कास्टिंग क्या होती है, ब्लो मोल्ड कास्टिंग क्या होती है, आपका सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग क्या होती है, तो बहुत सारी कास्टिंग को हम लोगों ने पढ़ा था। तो अब हम क्या करेंगे डियर, आज के लेक्चर में हम लोग उन कास्टिंग प्रोसेस में कुछ डिफेक्ट भी आते हैं, तो उन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफेक्ट को पढ़ेंगे, और डिफेक्ट के बाद उन कास्टिंग प्रोसेस से डिफेक्ट को दूर करने के लिए कुछ रेमेडी होंगी, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए माय डियर, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कास्टिंग डिफेक्ट से रिलेटेड। लेकिन उसके पहले एक टर्म आपको बता देते हैं, एक टर्म का मतलब ये बता देते हैं डियर कि जैसे हम लोग जो सॉलिडिफिकेशन टाइम की बात कर रहे थे, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप के लिए देखें, सॉलिडिफिकेशन टाइम ये जो TS हमारा होता था, इट इज़ द वॉल्यूम अपॉन एरिया का रेशियो होता था V बराबर वॉल्यूम अपॉन एरिया ऑफ कास्टिंग, वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग एंड एरिया ऑफ कास्टिंग। तो हम लोग क्या करेंगे डियर, थोड़ा सा क्विक इसको हम लोग रिविजन कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपसे इससे बनते हैं, बस डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा कि द रेशियो ऑफ वॉल्यूम अपॉन एरिया फॉर द क्यूब सेक्शन इज व्हाट विल बी, कितना होगा। चार ऑप्शन दिया रहेगा, एक आपका ये दिया रहेगा, तीन आपके अलग दिए रहेंगे। तो ये चीज आपको निकालने आना चाहिए कि किसी भी कास्टिंग का, जिस शेप का कास्टिंग होगा, उसके लिए हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम अपॉन एरिया का आपका रेशियो निकालने आना चाहिए। तो चलिए डियर हम लोग क्या करते हैं, पहले शुरू करते हैं एक एक शेप के बारे में। तो देखिए यहां पे जब हम बात करेंगे क्यूब के लिए, तो क्यूब के लिए हमारा क्या होगा, वॉल्यूम अपॉन सरफेस एरिया, ये हमारा होता है सरफेस एरिया ऑफ कास्टिंग। तो सबसे पहले कास्टिंग का वॉल्यूम आपका क्या है, देखिए क्यूब है, क्यूब का क्या होगा, अगर लेंथ ए है, विड्थ बी है, तो ये हमारे सॉरी ए क्यूब का सबका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होगा, लेंथ विड्थ एंड हाइट आपकी इक्वल होगी। तो इस समय क्या करेंगे डियर, इस क्यूब का वॉल्यूम आपका क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट होगा, यानी कि ए क्यूब होगा। अपॉन में फेस इसकी कितनी है डियर, देखिए एक फेस आपकी ये है, एक फेस ये है, एक फेस ये है। अब एक इसके पीछे फेस है, एक इसके नीचे फेस है, और एक इसके पीछे, टोटल 6 फेस है। एक फेस के एरिया की बात करेंगे तो देखो ये हमारा हो जाएगा विड्थ इंटू हाइट बराबर एरिया ऑफ सरफेस। एक सरफेस का आपका एरिया हो जाएगा ए इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और टोटल कितनी सरफेस है, 6 है, तो 6 इंटू ए स्क्वायर कर देंगे, तो टोटल सरफेस एरिया फॉर क्यूब सेक्शन निकल जाएगा। तो यहां पर देखो वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा, ए क्यूब अपॉन सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, यहां से ए क्यूब से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बचेगा a बाय 6। तो अब यहां पे देखिए डियर क्या बनता है, a बाय 6 बोलिए, b बाय 6 बोलिए, c बाय 6 बोलिए, कुछ भी बोलिए, फॉर क्यूब शेप द रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया इज, या यही क्वेश्चन पूछेगा कि द टाइम रिक्वायर्ड फॉर सॉलिडिफिकेशन ऑफ कास्टिंग फॉर ए क्यूब सेक्शन, क्वेश्चन यही है, बस शब्द बदल गए हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे डियर, अब यहां पे देखो चार ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन ए बी सी डी, जरूरी नहीं है कि यहां पे इसकी लेंथ को ए मानेगा, वो कुछ भी मान सकता है, एक्स मान सकता है, एक्स अपॉन ए स्क्वायर, एक्स अपॉन ए क्यूब, एक्स अपॉन ए पावर 4, एक्स अपॉन ए पावर 6a स्क्वायर। तो इस तरीके से देगा, तो अब यहां पे नहीं, एक ऑप्शन आपका ये भी देगा, एक्स अपॉन ए, ये हो जाएगा आपका
एक्स बाय सिक्स। तो जरूरी नहीं कि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को ए के रूप में रिप्रेजेंट करे, वह एक्स के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकता है। इसका ऑप्शन थोड़ा सा गलत बन गया। देखिए ये आपका बनेगा एक्स अपान टू, एक्स अपान थ्री, एक्स अपान फोर, एक्स अपान सिक्स, इस तरीके से बनेगा। तो आंसर आपका क्या रहेगा, एक्स बाई सिक्स। कैसे, इस तरीके से जब हम लोग निकालेंगे। अब बात करेंगे अगर कोई स्फीयर हो, स्फीयर मतलब गोला हो, जैसे गोली गेंद होती है, सबसे मिनिमम सरफेस एरिया आपका स्फीयर का होता है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर राइजर स्फीयर का बनाएंगे तो वो राइजर की ओपनिंग सही नहीं होगी, इसीलिए स्फीयर की बजाय किसका बनाते हैं, सिलेंडर का बनाते हैं। स्फीयर के बाद सेकेंड पोजिशन पे सिलेंडर का सबसे मिनिमम एरिया होगा, तो ये हमारा होगा। अब यहां पर देखिए डियर, स्फीयर की जब बात करेंगे तो गोले का आपका वॉल्यूम क्या होता है, 4 बाय 3 पाई आर क्यूब होता है, 4 बाय 3 पाई आर क्यूब होता है। यदि आर बराबर डी के रूप में रखते हैं तो बदल जाता है, क्योंकि डी बराबर आर बराबर डी बाई टू के होता है, तो वहां से क्या हो जाएगा, 4 पाई डी क्यूब, 4 बाई 6 पाई डी क्यूब हो जाता है। तो वो अलग अलग होता है, वो आर और डी को चेंज कर लेंगे। तो ये वॉल्यूम आपका होता है 4 बाय 3 पाई आर क्यूब अपॉन सरफेस एरिया, उसकी पूरी की पूरी जो परिध होगी 4 पाई आर स्क्वायर होगी, एक ही सरफेस एरिया पूरे गोले का होगा, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ देखो 4 से आपका 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर क्यूब, तो क्या बचेगा, आर बाई थ्री बचेगा। आर को जब डी में कन्वर्ट करेंगे तो डी बाई टू होता है, मीन्स डी बाई सिक्स हो जाएगा। तो वॉल्यूम अपान एरिया की कास्टिंग होगी डी बाई सिक्स। यहाँ देखो ए बाई सिक्स होता है और यहाँ पे डी बाई सिक्स होता है, इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना होगा। वेयर डी इज द डायमीटर ऑफ स्फीयर एंड ए इज द लेंथ ऑफ लेंथ विड्थ या हाइट ऑफ क्यूब होता है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे डियर, सिलेंडर के लिए देखिए, सिलेंडर का वॉल्यूम हमारा वॉल्यूम अपॉन कास्टिंग का ए सरफेस एरिया का रेशियो अगर निकालेंगे तो ये भी आर बाई थ्री या डी बाई सिक्स के होगा। इसमें देखो एक सरफेस एरिया आपका ये होगा, एक सरफेस एरिया आपका इसके जस्ट नीचे ये होगा, और एक सरफेस एरिया पूरा ये होगा, और टोटल इसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो इस तरीके से जब निकालेंगे तो ये होगा डियर आर बाई थ्री। तो इस तरीके से इसका हम लोग ऐसे पढ़ लेंगे। नेक्स्ट अब हम लोग क्या देखेंगे, क्यूब सेक्शन के लिए, क्यूबॉइड के लिए। क्यूबॉइड के लिए हमारा क्या हो जाएगा, देखो इस तरीके से एक आपका क्यूबॉइड होगा, वॉल्यूम आपका क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट हो जाएगा अपॉन एरिया आपका क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ प्लस विड्थ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट इंटू टू। तो ये हमारा हो जाएगा क्यूबॉइड सेक्शन के लिए जब हम निकालेंगे। और इलिप्स के लिए आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम अपॉन एरिया का स्क्वायर पाई ए इंटू बी इंटू एच अपॉन टू पाई ए इंटू बी इंटू एच ब्रैकेट में टू पाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन टू। तो ये कुछ फार्मूले आपको याद रखने हैं सॉलिडिफिकेशन टाइम के लिए। और मिनिमम सॉलिडिफिकेशन टाइम के लिए हम लोग राइजर का एरिया या तो हम बना सकते थे किसका, सरफेस एरिया स्फीयर का, लेकिन स्फीयर आपका सही से नहीं फिट हो पाता, ओपनिंग उसकी नहीं सही हो पाती, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या बनाएंगे, सिलेंडर यूज करेंगे इसके लिए, अपने राइजर में सॉलिडिफिकेशन टाइम को बढ़ाने के लिए, क्योंकि जिसका मिनिमम सरफेस एरिया होगा उसका हीट ट्रांसफर रेट कम होगा तो उसमें सॉलिडिफिकेशन टाइम ज़्यादा लगेगा। इस चीज़ का आपको विशेष तरीके से ध्यान देना है। चलिए डियर आगे बढ़ते हैं, ये मैंने आपको बताया भी था। अब हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लीनिंग ऑफ कास्टिंग। हम लोग कास्टिंग की जो क्लीनिंग करते हैं वो किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक फिटलिंग प्रोसेस होगा। फिटलिंग में क्या होगा, दिस इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग द मोल्ड बाय यूजिंग वाइब्रेशन मैकेनिज्म सेपरेटिंग द गेटिंग एलिमेंट फ्रॉम द कास्टिंग आफ्टर सॉलिडिफिकेशन। जब हम लोग उस कास्टिंग को ब्रेक करना चाह रहे थे मोल्ड कैविटी को, तो उस प्रोसेस को हम लोग फिटलिंग कहते हैं, और वाइब्रेशन मैकेनिज्म से इसको हम लोग ब्रेक करते हैं। तो ये आपका एक लाइन का आंसर इसी तरीके से आता है। नेक्स्ट आप देखिए सैंड और सॉल्ट ब्लास्टिंग क्या होता है।
तो इसमें देखिएगा, टू रिमूव सिलिका सैंड पार्टिकल्स फ्रॉम द कास्टिंग सरफेस फ्रॉम हार्डेंड स्टील बॉल और कोर्स सैंड ग्रेन्स विल बी फोर्ड ऑन द कास्टिंग एलॉन्ग विथ एयर प्रेशर ड्यू टू दिस इम्पैक्ट सिलिका सैंड पार्टिकल्स विल बी सेपरेट फ्रॉम द कास्टिंग। कास्टिंग से डियर हम लोग क्या करते हैं, सिलिका सैंड को सेपरेट करने के लिए, ब्रेक करने के लिए फिटलिंग प्रोसेस यूज करेंगे। उसमें हम लोग वाइब्रेशन एनर्जी या वाइब्रेशन मैकेनिज्म लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे जब सिलिका सैंड को सेपरेट करना होगा, अगर चाहे उसे दोबारा रीयूज करना है या बाहर फेंकना है, तो उसे हम लोग क्या करेंगे, सैंड या शॉर्ट ब्लास्टिंग बोलते हैं। जिसका मेथड ये होता है कि रिमूव करने के लिए हम लोग हार्डेंड स्टील बाल या कोर्स सैंड ग्रेन्स को लेते हैं और फोर्सली उस कास्टिंग में अप्लाई करते हैं विथ द एयर प्रेशर, हाई एयर प्रेशर के थ्रू, जिससे वहां के सिलिका सैंड पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं। देन नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कास्टिंग डिफेक्ट, ये हमारा इंपॉर्टेंट होगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कास्टिंग डिफेक्ट हमारे क्या होंगे डियर, कास्टिंग करने के समय जो भी हमारे डिफेक्ट्स आएंगे उन डिफेक्ट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे और उन डिफेक्ट्स के लिए रेमेडी यानी उपचार के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कौन कौन से डिफेक्ट हो सकते हैं डियर, द फॉलोइंग डिफेक्ट्स आर या द फॉलोइंग मेजर डिफेक्ट विच आर लाइकली अकर इन सैंड कास्टिंग। तो निम्नलिखित डिफेक्ट्स हमारे सैंड कास्टिंग में प्रोड्यूस होंगे। फर्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा होगा गैस के कारण आने वाले डिफरेंट टाइप के डिफेक्ट, श्रिंकेज कैविटी में हमारे डिफरेंट टाइप के जो डिफेक्ट्स आते हैं, कमा मोल्डिंग मटेरियल में जो कुछ डिफेक्ट हमारे आएंगे जिसकी हम कास्टिंग कर रहे हैं, कमा पोरिंग मेटल डिफेक्ट जो हमारे आएंगे, देन मोल्ड हमारे अगर शिफ्ट हो जाते हैं तो उसमें कैसा डिफेक्ट्स आता है। तो इन सब डिफेक्ट के हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। आइए वन बाय वन एक एक डिफेक्ट के बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डियर गैस डिफेक्ट के बारे में, गैस से रिलेटेड जो भी डिफेक्ट्स आते हैं किस टाइप के और कितने डिफेक्ट्स आते हैं। तो चलिए डियर हम लोग जैसे पोरोसिटी, ब्लो होल्स, अंडरकट, अपर कट, तो इन सब चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। ये सारे डिफेक्ट्स हमारे गैस की वजह से आते हैं। यदि गैस उस मोल्ड कैविटी में मिक्स हो जाए तो वो अपना स्पेस वहाँ बना लेती है, तो वहाँ पर पोरोसिटी डिफेक्ट्स प्रोड्यूस होता है। तो आइए डियर शुरू करते हैं गैस डिफेक्ट। तो गैस के कारण हमारे कौन कौन से डिफेक्ट्स होंगे, इन सब डिफेक्ट के बारे में देखेंगे। देखिए, एक कंडीशन एक्साइटिंग इन ए कास्टिंग केस बाय द ट्रैपिंग ऑफ गैस इन मोल्टन मेटल। ट्रैपिंग ऑफ गैस का मतलब, जैसे मान लो ये आपका मोल्ड कैविटी हो, पहला तो हम ये जानते हैं कि कोई भी लिक्विड, अब ये सारी हमारी सैंड है, फर्स्ट तो हम ये जानते हैं डियर कि अगर मोल्टन मेटल इसमें आ रहा है तो इस मोल्टन लिक्विड मोल्टन मेटल में कोई भी लिक्विड हो, इस चीज का आपको ध्यान देना है, लिक्विड में गैस के मिक्स होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। मतलब लिक्विड स्टेट में गैसेस उसमें घुली रहती हैं, जब सॉलिडिफाई होने लगता है तो वो गैसेस या तो एस्केप होकर बाहर चली जाती हैं या तो वहां पर अपना प्लेस बना के रखती है। तो इस तरीके से हमारा होता है। तो अब यहाँ पे देखिए डियर क्या होगा, लिक्विड मेटल इसके अंदर जब आएगा तो सॉलिडिफाई होने के समय इसकी एयर एस्केप होकर बाहर निकलेगी, अगर नहीं निकल पाएगी तो वो यहीं पे अपना स्पेस बना लेगी, इसे हम लोग बोलेंगे पोरोसिटी डिफेक्ट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि अगर ये सैंड आपकी क्या होगी, इस मोल्टन मेटल की वजह से हीटअप होगी और सैंड में जो भी मॉइस्चर पार्टिकल्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, गैसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे और वो गैस चारों तरफ यहाँ पे ट्रेवल करने लगेगी। ट्रेवल करके या तो गैस बाहर निकल जाए या तो गैस क्या हो डियर ना बाहर जाने पाए, तो यहीं पे इस कास्टिंग में मिक्स होकर डिफेक्ट को प्रोड्यूस करे। तो यही सारे डिफेक्ट हमारे कहलाते हैं डियर गैस डिफेक्ट। अब इसमें देखिए, एक कंडीशन एक्साइटिंग इन ए कास्टिंग केस बाय द ट्रैपिंग ऑफ गैस, ये गैस जो इसमें ट्रैप कर जा रही है, इन द मोल्टन मेटल बाय मोल्ड गैस इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द पोरिंग ऑफ द कास्टिंग इज कॉल्ड कास्टिंग डिफेक्ट। देन
डिफेक्ट इन दिस कैटेगरी कैन बी क्लासिफाइड इन टू, देखो इस गैस को हम लोग कितने तरीके से क्लासिफाइड करते हैं डिफेक्ट को। फर्स्ट हमारा होगा ब्लो होल्स कमा पिन होल्स एंड पोरोसिटी। तो जो गैस की वजह से हमारी कास्टिंग में डिफेक्ट बनेंगे डियर, वो या तो ब्लो होल्स बनेंगे या पिन होल बनेंगे या पोरोसिटी बनेंगे। तो एक एक डिफेक्ट पढ़ लेते हैं कि ब्लो होल्स क्या होता है, पिन होल्स एंड पोरोसिटी क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लो होल्स के बारे में। ब्लो होल्स हमारे किस टाइप के डिफेक्ट होते हैं, तो इसमें देखिए डियर क्या होगा, ब्लो होल्स आर स्फेरिकल और इलोंगेटेड कैविटी प्रेजेंट इन द कास्टिंग ऑन द सरफेस और इनसाइड द कास्टिंग। ऐसे देखिए, मान लो कि एयर इसके अंदर आई, ये आपका हो गया कास्टिंग। अब एयर इसके अंदर ट्रैप कर गई, अगर वो पूरा गोली एयर ट्रैप की रहेगी तो आफ्टर सॉलिडिफिकेशन वह यहां से डिफ्यूज हो जाएगी, तो एक गोली सरफेस अंदर गोले की तरह मिलेगी। अगर वह एयर इस तरीके से अंदर ट्रैप हो गई है तो आफ्टर सॉलिडिफिकेशन इस तरीके की कैविटी प्रोड्यूस करेगी। तो वो डिपेंड करेगा कि किस तरीके की कैविटी प्रोड्यूस करेगी, लेकिन जो भी कैविटी अंदर प्रोड्यूस करेगी, हो सकता है वह सरफेस पर भी ऐसी कैविटी प्रोड्यूस करे, इस तरीके की कैविटी, इस तरीके की कैविटी। तो ऐसी जो डिफेक्ट्स हमारी बनेगी डियर सरफेस पे, या तो इनसाइड कास्टिंग, या तो सरफेस पे या इनसाइड कास्टिंग, हमारे क्या बनेंगे, स्फेरिकल या इलोंगेटेड कैविटी प्रेजेंट इन द कास्टिंग आर कॉल्ड ब्लो होल्स। ये हमारे डिफेक्ट कहलाएंगे ब्लो होल्स। पिन होल पोरोसिटी क्या होगा माय डियर, पिन होल पोरोसिटी मतलब जैसे बहुत पतली एयर अंदर ट्रैप करेगी, ठीक थिन सेक्शन एयर ट्रैप करेगी। कैसे देखिए, द पिन होल पोरोसिटी अकर्स ड्यू टू द डिसोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस विच गेट्स इंट्रैप्ड ड्यूरिंग हीटिंग ऑफ मोल्टेन मेटल। जो अंदर क्या होगा, देखो ये पिन होल का मतलब इस तरीके से गैस आपकी इंट्रैप्ट करेगी, और कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, उसकी हीट कैरिंग कैपेसिटी भी सभी गैस से ज़्यादा होती है। हीट कैरिंग कैपेसिटी का मतलब हीट को अपने साथ बाहर ले जाने की कैपेसिटी। जैसे आप देखते होंगे पावर प्लांटों में, जब थर्मल पावर प्लांट हो या कोई भी पावर प्लांट हो, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, जब हम लोग क्या करते हैं टरबाइन मूव कराते हैं, तो टरबाइन आगे क्या होता है, कनेक्टेड होता है किससे, एक शाफ्ट से लगा होता है। इस शाफ्ट को हम लोग क्या कर देते हैं, एक मोटर से कनेक्ट कर देते हैं, इस पर कॉयल वाइंडिंग होती है। अब आप देखो जब ये शाफ्ट घूमेगी तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होते हैं, जिससे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब ये शाफ्ट को हम लोग क्या करते हैं, ऐसे इस पर रखते हैं, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी इसे हम लोग फर्दर ले जाते हैं एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर में, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में, तो उसकी वोल्टेज होकर करंट को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। देन आगे हम लोग इसे ले जाते हैं स्विच यार्ड में, स्विच यार्ड के बाद फिर उसको हम ले जाते हैं बड़े बड़े ग्रिड में, ग्रिड के बाद फिर सब ग्रिड में, फिर अपने यहाँ घरों में आती है। तो ये अलग बात है, लेकिन आप देखो कि जब ये हमारी ये क्या शाफ्ट मूव करेगी तो यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स कटेंगे, तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा हीट जनरेट होगी कि हो सकता है ये ऊपर की जो सरफेस है ये मेल्ट हो जाए। इस सरफेस को मेल्ट ना होने से रोकने के लिए अगर हम लोग एयर कूलिंग यूज करें, वाटर कूलिंग यूज करेंगे, तो चूंकि यहाँ पे अंदर क्या है, हम लोग यूज कर रहे हैं करंट की डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए हार्मफुल है। तो हम इसकी कूलिंग के लिए क्या करते हैं, एयर का यूज करते हैं, और एयर के रूप में हाइड्रोजन गैस का यूज, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जाएगी इस तरीके से, इसके चारों तरफ एक कवर लगा देते हैं हाइड्रोजन गैस का, एक तरफ से इंटर करेगी और एक तरफ से एग्जिट करेगी। कोल्ड हाइड्रोजन गैस आपकी इंटर करेगी और हॉट हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। तो थर्मल पावर प्लांटों में हाइड्रोजन गैस का यूज करते हैं इस हीट को अपने साथ कैरी करके बाहर ले जाने के लिए, क्योंकि इसकी हीट कैरिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा। आगे बात करते हैं, तो इस टाइप से आपने देखा गैस डिफेक्ट हमारे तीन मिलेंगे, ब्लो होल्स, पिन होल्स एंड पोरोसिटी। तो पिन होल्स आपको मैंने बता दिया, पोरोसिटी क्या होता है डियर, पोरोसिटी आपका सीधे ब्लो होल्स की तरह होता है, लेकिन इसमें क्या होगा, ब्लो होल्स में आपके जो गैस होंगी या तो सरफेस पे
या फिर अंदर स्फेरिकल या फिर इलोंगेटेड कैविटी बनाएगी, लेकिन पोरोसिटी में क्या होगा डियर, कि इस कैविटी के अंदर कुछ एयर इंट्रैप्ट करके डिफ्यूज हो जाएगी, जिस वजह से वहाँ पे कैविटी बनी रह जाएगी। इस कैविटी को बोलते हैं हम लोग पोरोसिटी। तो ये हमारे हो गए। अब इस तरीके से इन सब पोरोसिटी ब्लो होल्स को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए रेमेडी हम लोग क्या यूज करेंगे डियर, तो रेमेडी हम लोग यूज करेंगे ये जो सैंड हमारी है, इस सैंड की देखो, सैंड की हमारी क्या हो जाएगी, एयर इस्केपिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करना है। तो एयर इस्केप, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, परमेबिलिटी को यानी कि पीएन को बढ़ा देंगे, परमेबिलिटी नंबर को इंक्रीज कर देंगे, परमेबिलिटी बढ़ा देंगे, परमेबिलिटी नंबर नहीं बढ़ाएंगे, परमेबिलिटी इंक्रीज कर देंगे, तो जिससे गैस इस्केप कर जाएगी। तो ये आपका प्रोसेस है। नेक्स्ट बात करते हैं डियर, श्रिंकेज कैविटी। श्रिंकेज कैविटी क्या होगा, जब मोल्टन मेटल हमारा क्या होगा, यहाँ सॉलिडिफाई होगा। अब इस शेप का था, सॉलिडिफाई होकर इस शेप का बन जाए, तो यहाँ पर कैविटी प्रोड्यूस हो जाएगी। इस कैविटी को रोकने के लिए इसे हम लोग बोलेंगे श्रिंकेज कैविटी। इस कैविटी को रेमेडी, इस कैविटी को दूर करने के लिए भी हम लोग कुछ रेमेडी यूज करेंगे। पहले देख लेते हैं, देखिए, दीज आर केज्ड बाय लिक्विड श्रिंकेज अकरिंग ड्यूरिंग द सॉलिडिफिकेशन ऑफ द कास्टिंग। तो श्रिंकेज क्या होगा, अगर लिक्विड श्रिंकेज होगा, देखो श्रिंकेज बेसिकली हमने तीन तरीके का बताया था, लिक्विड श्रिंकेज, सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज एंड सॉलिड श्रिंकेज। तो यहाँ लिक्विड और सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज की बात हो रही है। अब लिक्विड और सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज जो भी होगा वो लिक्विड स्टेट में होगा, उस लिक्विड स्टेट में दूर करने के लिए टू कंपनसेट रेमेडी की बात करेंगे, तो रेमेडी आपका क्या होगा, टू कंपनसेट दिस श्रिंकेज प्रॉपर फीडिंग ऑफ लिक्विड मेटल इज रिक्वायर्ड। अच्छे से हम लोग फीडिंग करेंगे मोल्टन मेटल को, कॉमा फॉर द रीजन राइजर आर प्लेस्ड एट द एप्रोप्रिएट प्लेस ऑफ द मोल। राइजर लगाएंगे और प्रॉपर तरीके से हम लोग फिलिंग करेंगे, तो हमारी ये क्या है, श्रिंकेज को दूर कर लेंगे। देन यहाँ देखो श्रिंकेज कैविटी, ये मोल्टन मेटल आ रहा था, ये भर रहा था, यहाँ इतनी दूर रह गया। अब क्या है कि कास्टिंग तो हो रही है लेकिन इतना हमें नहीं फिल हो पाया है, तो इसको और अच्छे से हम लोग क्या करेंगे, फिल करेंगे, कॉमा राइजर यूज करेंगे, तो ये राइजर आकर इसको फिल करेगा। ये कैविटी हमारे पास नहीं होनी चाहिए, पूरा का पूरा मोल्ड कैविटी आपका फिल होना चाहिए। चलिए, श्रिंकेज इट इज द रिकमेंडेड टू यूज फॉर थिक स्प्रू अवॉइड श्रिंकेज कैविटी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, श्रिंकेज कैविटी को दूर करने के लिए ये जो स्प्रू यूज कर रहे हैं, थिक स्प्रू अवॉइड श्रिंकेज कैविटी। तो श्रिंकेज कैविटी को अवॉइड करने के लिए थिक स्प्रू को हम लोग अवॉइड करते हैं, ये हमारा होगा। नेक्स्ट बात करेंगे मोल्डिंग मटेरियल डिफेक्ट्स। जो हम लोग मोल्ड कैविटी बना रहे हैं, ये देखो, यहां पे मान लीजिए ये हमारी मोल्ड कैविटी बनी है, किसकी बनाए हैं, सैंड की। अगर परमानेंट मोल्ड कैविटी है तो वो मशीनिंग करके उसकी सरफेस को इंप्रूव करके रखते हैं, लेकिन यहां पर एक्सपेंडेबल मोल्ड की बात कर रहे हैं, तो एक्सपेंडेबल मोल्ड में क्या क्या हो सकता है, देखो इसके यहां पे कट आ सकते हैं, देखिए कट एंड वॉश डिफेक्ट आ सकते हैं, स्कैप मतलब ये फूल सकता है, कॉमा मेटल पेनिट्रेशन मतलब मेटल आए और अंदर ऐसे पेनिट्रेट कर जाए, कॉमा स्वेल डिफेक्ट आपके आ सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारे डिफेक्ट आपके मोल्डिंग मटेरियल में आ सकते हैं। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे इस कट एंड वॉश डिफेक्ट, कट एंड वॉश डिफेक्ट। तो यहाँ पे कोई कट वगैरह स्क्रैच जनरेट हो जाए, देखिए दिस इज केज्ड बाय द मोल्डिंग सैंड नॉट हैविंग इनफ स्ट्रेंथ एंड द मोल्टन मेटल फ्लोबिंग एट हाई वेलोसिटी। जब मोल्टन मेटल आपका हाई वेलोसिटी से फ्लो करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, अपने साथ ही सैंड को आगे बढ़ाता हुआ लेके चला जाएगा। जैसे आप देखो कि अगर आप मिट्टी में आप मिट्टी की नाली बनाओ और पानी को आप फ्लो कराइए, तो मिट्टी का कटान उसके साथ धीरे धीरे आगे बढ़ता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कट एंड वॉश डिफेक्ट। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसकी रेमेडी के लिए इस सैंड की रैमिंग प्रॉपर तरीके से करेंगे
और हाई स्ट्रेंथ कोहेसिव एंड एडहेसिव मटेरियल यूज करेंगे जिससे सैंड आपके ना बहे, क्योंकि आप देखो वहीं अगर पक्की फर्श पे पानी को आप बहाओ तो वो फर्श पे कटान नहीं होगा। तो इस तरीके से हम इसके सरफेस को हार्ड और हाई स्ट्रेंथ के बनाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे स्कैब। स्कैब आपका क्या होगा, दिस डिफेक्ट अकर व्हेन द पोर्शन ऑफ फेस ऑफ द मोल्ड लिफ्ट और ब्रेक डाउन द रिसेस थस मेड फिल्ड बाय द मोल्टन मेटल। जब मोल्टन मेटल हम यहाँ पे फिल्ड कर रहे होंगे तो हो सकता है यह टूट जाए, यह टूट जाए, यह टूट जाए, तो ये सारे जो हमारे डिफेक्ट्स होंगे इसे हम लोग बोलेंगे स्कैब डिफेक्ट। व्हेन द मेटल इज पोर्ड इनटू द कैविटी, जब मोल्टन मेटल को हम लोग अंदर पोर करेंगे इस तरीके से, ये मोल्टन मेटल को हम लोग अंदर पोर करेंगे तो उस समय गैस में भी डिजाइंड या डिसंगेज विथ सच वेलोसिटी एज टू ब्रेक अप द सैंड। ये गैस भी आएगी तो कुछ वेलोसिटी से सैंड को ब्रेक करेगी तो ब्रेक करने के बाद ये सैंड इसमें मिक्स हो जाएगी, ये भी आपकी डिफेक्टिव कास्टिंग बनाएगी प्लस इसका साइज आपका डिस्टर्ब होगा, तो देन वास्ट अवे एंड द रिजल्टिंग कैविटी फिल्ड विद द मेटल। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट्स आर कॉल्ड स्कैब डिफेक्ट। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, केस ऑफ स्कैब। देखो ये आपका हो गया स्कैब, इस तरीके से मोल्टन मेटल आया, यहाँ की सैंड आपकी टूट के बाहर निकल गई, तो ये आपका डिफेक्ट जो बनेगा स्कैब डिफेक्ट कहलाएगा। आगे देखते हैं केस टू फाइन सैंड कॉमा लो परमिलिटी ऑफ सैंड एंड हाई मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सैंड एंड अन इवन मोल्ड रैमिंग। जब इस तरीके से देखो स्कैब डिफेक्ट के कारण क्या क्या है, पहला रीजन यह है कि फाइन सैंड, अगर हम लोग बहुत फाइन सैंड ले लेंगे तो स्कैब डिफेक्ट आपका आ सकता है। लो परमिलिटी रहेगी तो गैस आपकी गैस बाहर नहीं जा पाएगी, तो इस गैस प्रेशर लगाएगी जिससे यहाँ पे क्या होगा, ये सैंड टूट कर इसमें गिर जाएगी, इसे हम लोग स्कैब डिफेक्ट कहेंगे। हाई मॉइस्चर कंटेंट, ज़्यादा नमी होगी तो भी सैंड टूट कर वहाँ पर गिर जाएगी, तो इस तरीके से ये सारे डिफेक्ट। और अन इवन रैमिंग, अगर प्रॉपर तरीके से हर जगह पर रैमिंग हुई होती तो कहीं हर जगह की स्ट्रेंथ आपकी सेम होती तो मोल्ड कैविटी आपका बना रहता, तो इस तरीके के डिफेक्ट को हम लोग बोलेंगे स्कैब डिफेक्ट। अब इसे दूर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोर्स सैंड यूज करेंगे कॉमा हाई परमिलिटी यूज करेंगे कॉमा मॉइस्चर कंटेंट को क्या कर देंगे, लो मॉइस्चर कंटेंट यूज करेंगे और यूनिफॉर्म मोल्ड रैमिंग यूज करेंगे, यूनिफॉर्म रैमिंग करेंगे, तो इस तरीके से ये हमारे डिफेक्ट स्कैब के दूर हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, मेटल पेनिट्रेशन। देखो मेटल ऐसे, मोल्टन मेटल क्या है, इस मोल्ड कैविटी में पेनिट्रेट हो गया है, बाद में इसे हमें मशीनिंग करना पड़ेगा, तो इस तरीके से ये भी कब होगा, जब मोल्ड कैविटी की सरफेस हार्ड नहीं होगी, और हार्ड कब नहीं होगी, जब कोर्स ग्रेन यूज करेंगे। तो यहाँ देखो व्हेन द मोल्टन मेटल इंटर्स इनटू द गैप बिटवीन द सैंड ग्रेन्स, जो सैंड के ग्रेन्स के बीच गैप होगा उनमें मोल्टन मेटल इंट्रैप्ट कर जाएगा तो उसे बोलेंगे मेटल पेनिट्रेशन। दिस रिजल्ट इज रफ कास्टिंग सरफेस, यह एक रफ कास्टिंग सरफेस बनाएगा, लास्ट में हमें इसे मशीनिंग करके दूर करना होगा। दिस अकर्स बिकॉज द सैंड इज कोर्स, या इसलिए होगा क्योंकि सैंड आपका कोर्स अगर होगा तो कोर्स सैंड में आपके क्या होंगे, स्पेस ज्यादा होंगे, इन स्पेस में मोल्टन मेटल आकर बैठ जाएगा। कॉमा नो मोल्ड वास वाज अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ द मोल्ड कॉमा द कोर्स सैंड ग्रेन्स मोर ऑफ द मेटल पेनिट्रेशन। तो इसे अवॉइड करने के लिए अगर हम रेमेडी की बात करें तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फाइन ग्रेन सैंड यूज करेंगे, इसको मोल्ड कैविटी को बनाने के लिए, इस मोल्ड कैविटी को बनाने के लिए फाइन ग्रेन सैंड यूज करेंगे। नेक्स्ट आप देखिए
स्वेल, स्वेल मतलब होता है फूलना। देखो कास्टिंग ऐसी बनानी थी लेकिन ये ऐसी ऐसी बनानी थी लेकिन देखो यहां से स्वेल हो गई, फूलना हो गई। ये लगभग आपका स्कैप डिफेक्ट की तरह होता है, लेकिन स्कैप आपका यहाँ से हमारी सैंड टूट कर गिर जाती है, देन उसकी जगह मोल्टेन मेटल भर जाता है। यहाँ पे सैंड को ही दबा देता है और मेटल आपका क्या हो गया, फूल गया है, तो इसे बोलते हैं स्कैप डिफेक्ट। ये हमारा क्या होगा, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी फोर्स अपर मोल्ड द लोअर मोल्ड वॉल में स्वेल केसिंग। तो लोअर मोल्ड आपकी फूल जाएगी, ये हो गया। अब यहां मोल्टेन मेटल आपका फोर्स लगा रहा है तो ग्रेविटी फोर्स के कारण ये वाला आपका सरफेस फूल जाएगा, तो इस डिफेक्ट को बोलते हैं स्वेल डिफेक्ट। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए स्वेल केसिंग ए डिफेक्टिव कास्टिंग, ए प्रॉपर रैमिंग ऑफ द मोल्ड विल करेक्ट दिस डिफेक्ट। अगर रैमिंग की बात करेंगे, रेमेडी उपचार की बात करेंगे, तो ये जो डिफेक्ट फूल रहा है इसका मतलब यहां पे सैंड की स्ट्रेंथ आपकी क्या है, लो है। अब लो सैंड की स्ट्रेंथ है तो हम इसको प्रॉपर रैमिंग करके इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे, यह डिफेक्ट हमारा दूर हो जाएगा। तो इसे दूर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर रैमिंग करेंगे, तो यह डिफेक्ट हमारा दूर हो जाएगा। देन बात करते हैं पोरिंग मोल्टेन मेटल डिफेक्ट। जो मोल्टेन मेटल हमारा होगा डियर, वह मोल्ड कैविटी के अंदर जब जाएगा तो कौन कौन से डिफेक्ट बनाएगा। तो पहला डिफेक्ट आपका बनाता है मिस रन, नेक्स्ट डिफेक्ट बनाता है कोल्ड शॉट। आप देखो मिस रन आपका क्या होता है, मान लो ये मोल्ड कैविटी है, अब यहां से मोल्टेन मेटल आया, अब ये आगे बढ़ेगा तो इसको हम और लार्ज करके दिखा रहे हैं। आप ऐसे देखो, मान लीजिए देखिए मोल्टेन मेटल इधर से जा रहा था, यह गेट हो गया, ये क्या होगा, ये यहां तक जाकर सॉलिडिफाई हो गया और ये यहां तक आके सॉलिडिफाई हो गया। तो यह पूरी की पूरी या एक ही गेट आप देखो, मान लो कि मोल्टेन मेटल इधर से जा रहा था, ऐसे जा रहा था और यह पूरा का पूरा कैविटी तक नहीं पहुंच पाएगा, यहीं तक में सॉलिडिफाई हो गया है। तो मिस रन का मतलब पूरी तरीके से रन करके पहुंच नहीं पाया, पूरी कैविटी को फिल नहीं कर पाया, उसे बोलेंगे मिस रन। और यह क्यों होगा, क्योंकि इसकी फ्लूडिटी लो होगी और हाई टेम्परेचर टेम्परेचर भी आपका लो होगा। तो इसे हम लोग दूर करने के लिए इसकी फ्लूडिटी को बढ़ाएंगे, इसके टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, ताकि यह पूरे के पूरे कैविटी को भर सके, इसे हम लोग बोलेंगे रेमेडी ऑफ मिस रन। कोल्ड शॉट क्या होगा डियर, कोल्ड शॉट ये होगा कि मान लो कि अगर हम लोग बड़ी कास्टिंग है तो मल्टीपल गेट यूज करते हैं, तो वहां पर क्या होगा, जैसे देखो ये मल्टीपल गेट यूज हो गया, एक गेट ये है एक गेट ये है। अब ये कास्टिंग आपकी इधर से ऐसे जा रही थी, इधर से ऐसे जा रही थी, होना चाहिए कि दोनों मटेरियल आपस में मिक्स होकर होमोजेनियस मिक्सचर बनाए, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि यह कास्टिंग इधर जाते आते यहाँ पे सॉलिडिफाई हो गई और यह आते आते यहाँ पे सॉलिडिफाई हो गई, दोनों के बीच में एक ज्वाइंट मिलना मिल गया, इसे हम लोग बोलते हैं कोल्ड शॉट। यहाँ तक आते आते ठंडा होकर आपस में मिल जाते हैं। तो ये डिफेक्ट हमारे क्या होंगे डियर, मोल्ड कैप मोल्टेन मेटल के डिफेक्ट होंगे। मिश्रण वाला देखिएगा, मिश्रण इज केज्ड व्हेन द मेटल इज अनेबल टू फिल द मोल्ड कैविटी कंप्लीटली। जब मोल्टेन मेटल पूरी मोल्ड कैविटी को ना फिल कर पाए कंप्लीटली, तो ऐसे डिफेक्ट को मिश्रण डिफेक्ट बोलते हैं एंड थॉस लीव्स अनफिल्ड कैविटी। एक कोल्ड शॉट आपका क्या होगा, अच्छा इसे इसका मेन रीजन आपका क्या है, लो फ्लूडिटी। अब इसको दूर करने के लिए फ्लूडिटी आप क्या करेंगे, हाई कर देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, कोल्ड शॉट इज द केज व्हेन टू स्ट्रीम व्हाइल मीटिंग द मोल्ड कैविटी डू नॉट फ्यूज टुगेदर। जब दो मोल्टेन मेटल आपस में मिलें तो वो एक दूसरे के साथ फ्यूज ना हो, होमोजेनियस मिक्सचर ना बना पाए और वो सॉलिडिफाई होकर क्या करेंगे, एक लाइन क्रिएट करेंगे, द प्रॉपर्टी फॉर्मिंग ए डिसकॉन्टिन्यूटी इन द कास्टिंग इज कॉल्ड कोल्ड शॉट। अब इसे दूर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर मोल्टेन मेटल की वेलोसिटी को बढ़ाएंगे
और यहाँ पर भी बढ़ाएंगे, जिससे यह क्या होगा, आपस में मिक्स होकर एक होमोजेनियस मिक्सचर बनाएगा। तो ये हमारा होगा डियर। अब देखिए पोरिंग मोल्टन मेटल डिफेक्ट आपका क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था, देखिए मिश्रण आपका क्या है, यहाँ तक मोल्टन मेटल गया, ये पूरी मोल्ड कैविटी थी, लेकिन इस मोल्ड कैविटी में यहाँ तक जाते जाते वो यहीं पे सॉलिडिफाई हो गया, इतनी कैविटी आपकी शेष रह गई, इसे बोलते हैं मिश्रण। कोल्ड सट आपका क्या है, देखिए ये पूरी कैविटी भरनी थी, यहाँ से मोल्टन मेटल आया, ये सॉलिडिफाई हो गया, ये सॉलिडिफाई हो गया, तो ये जो डिफेक्ट आपके बने ये डिफेक्ट आपके कहलाते हैं कोल्ड सट। आगे बात करते हैं मेटलर्जिकल डिफेक्ट के बारे में। मेटलर्जिकल डिफेक्ट आपके क्या होंगे, जैसे फर्स्ट हॉट टीयर, हॉट टीयर का मतलब एक आंसू की तरह मोल्टन मेटल, जैसे यहाँ पे देखो इस तरीके का जो डिफेक्ट है इसको ऐसा बनना चाहिए, लेकिन ये ऐसा डिफेक्ट जो प्रोड्यूस करा रहा है, तो इस डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं टीयर, हॉट टीयर, मतलब हॉट टीयर या हॉट क्रैकिंग। केस ऑफ दिस डिफेक्ट इज दैट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन बिल्ट अप ड्यूरिंग द सॉलिडिफिकेशन, जब सॉलिडिफिकेशन होने लगेगा तो उसमें इंटरनल स्ट्रेस और स्ट्रेन डेवलप्ड होगा, जिस वजह से ये डिफेक्ट हमारे प्रोड्यूस होंगे, इंटरनल डिफेक्ट, इंटरनल स्ट्रेस की वजह से क्रैक्स प्रोड्यूस होंगे, तो वहाँ मोल्टन मेटल बह जाएगा, मतलब फ्लो कर जाएगा, तो उसे हम लोग बोलेंगे हॉट टीयर डिफेक्ट। सॉलिडिफिकेशन आर टू हाई कंपेयर्ड टू द एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ द सेमी सॉलिड मटेरियल, देन हमारा ये डिफेक्ट प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट आप देखिए मोल्ड शिफ्ट डिफेक्ट। मोल्ड शिफ्ट का मतलब क्या है डियर, कि देखो ये हमारा मोल्ड कैविटी इस तरीके से बना हुआ था, लेकिन सॉलिडिफिकेशन के समय अपर वाला पार्ट देखो इधर शिफ्ट कर गया, लोअर वाला पार्ट इधर शिफ्ट कर गया, तो ये आपकी डिफेक्टिव कास्टिंग बनाएगा। ये देखो कास्टिंग आपकी ऐसे बननी थी, लेकिन आपकी कास्टिंग कैसे बनेगी, आपकी कास्टिंग कुछ देखो, ये हाफ सर्किल हो गया और ये हाफ सर्किल हो गया, तो कास्टिंग आपकी ऐसी बनेगी जो कि बेकार है। ये हमारा किस वजह से हुआ है, मोल्ड शिफ्ट की वजह से हुआ है। इसे दूर करने के लिए प्रॉपरली हम लोग मोल्ड को अलाइंड करते हैं, मोल्ड कैविटी या मोल्डन बॉक्स को हम लोग प्रॉपरली अलाइंड करते हैं और फिक्स करके बांधते हैं। द मोल्ड शिफ्ट डिफेक्ट अकर व्हेन द कोप एंड ड्रैग और मोल्डिंग बॉक्स हैव नॉट बीन प्रॉपरली अलाइंड, तो मोल्डिंग बॉक्स ही खिसक जाए तो ये सेप हमें, तो उसके लिए प्रॉपर हम लोग मोल्डिंग बॉक्स को अलाइन करते हैं। ये था हमारा माय डियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफेक्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफेक्ट और उसकी रेमेडी हम लोगों ने देखी, फिर हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन आपसे कभी पूछ लेता है कि जो हम लोग टाइप्स ऑफ फर्नेस यूज करते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं कि बार बार मोल्टन मेटल की बात कर रहे हैं, हॉट मोल्टन मेटल की बात कर रहे हैं, तो ये जो मोल्टन मेटल है डियर, इसे लिक्विड स्टेट में लाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो रिक्वायरमेंट होती है फर्नेस की। अब यहाँ कितने टाइप की फर्नेस हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे क्रूसिबल फर्नेस, इलेक्ट्रिक फर्नेस, क्यूपोला फर्नेस, इंडक्शन फर्नेस एंड रिवोबेटरी। तो इन फर्नेस के बारे में हम लोग इन स्मॉल इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, बहुत लार्ज डिटेलिंग इस पर नहीं करेंगे। चलिए डियर इसके बारे में हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए क्रूसिबल फर्नेस क्या होती है। क्रूसिबल फर्नेस का मतलब इस तरीके की एक फर्नेस होती है डियर। इस फर्नेस में क्या होता है कि एक कॉपर केसिंग इस तरीके से लगी होती है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, या तो इंडक्शन कॉयल लगा देते हैं, या फिर इसकी जगह पर हम लोग कोक भी रख सकते हैं, कोक मतलब कोयला। अब इसके ऊपर देखो एक हम लोग क्या रखते हैं, एक यहाँ पे टब रखते हैं, इस टब में हम लोग आयरन ओर को रख देते हैं। अब क्या होता है, जब यहाँ से कोक फायरिंग कराएंगे तो ये गर्म होगा, इसके अंदर का मोल्टन मेटल हीट होगा, जैसे हम लोग कुकर में दाल वगैरह पकाते हैं, सेम उसी तरीके से कुकर में दाल रखेंगे, बाहर से हीट देंगे, तो हीट जब जाएगा तो उस दाल वगैरह को गर्म करके मेल्ट कर देगा। सेम उसी तरीके से फर्नेस होता है, उस फर्नेस के अंदर ये चैम्बर बना होता है, इस चैम्बर में हम लोग क्या करते हैं, मोल्टन मेटल को रख देते हैं। जब यहाँ से क्या होता है, देखो मेटल यहाँ से स्पोर्ट आउट करते हैं,
और जब इसे हम लोग हीट करते हैं तो यह मेटल क्या होता है, गर्म होता है, गर्म होकर लिक्विड स्टेट में आ जाता है। तो इस पे क्या है, जो स्लैग है वो ऊपर रहता है, तो पहले स्लैग को बाहर निकाल लेते हैं, फिर नीचे आपका प्योर मोल्टन मेटल बचता है, उस मोल्टन मेटल को हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट करके कास्टिंग के लिए भेज देते हैं। इसके चारों तरफ आपको क्या होता है, रिफैक्ट्री वॉल्स लगाते हैं। रिफैक्ट्री वॉल्स का मतलब क्या होता है, ब्रिक्स लगाते हैं। ब्रिक्स क्या होते हैं, हाई रिफैक्ट्री होते हैं। हाई रिफैक्ट्री मतलब उच्च तापमान पर भी मेल्ट नहीं होते हैं, तो ये हमारे होते हैं। इस तरीके के फर्नेस को हम लोग बोलते हैं डियर क्रूसिबल फर्नेस। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, फॉर स्मॉलर बाउंड्री मेटल इज प्लेस्ड इन क्रूसिबल। क्रूसिबल मतलब किसका होता है, जैसे क्ले एंड ग्रेफाइट कंटेनर आपका बना होता है, ये जो कंटेनर है ये आपका या तो क्ले और ग्रेफाइट का एक कंटेनर बना देंगे और उसके अंदर हम लोग क्या रख देंगे, आयरन को रख देंगे। कोक और ऑयल और गैस आर यूज्ड लाइक एज ए हीट सप्लाई, और करंट कंडीशन में हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक इंडक्शन भी यूज कर रहे हैं। तो इसके चारों तरफ हम लोग या तो कोक को, या तो गैस को, या तो ऑयल को यूज कर देते थे। इसके लिए कोक गैस कॉमा ऑयल यूज कर देते थे हीट को सप्लाई करने के लिए। तो जब हीट सप्लाई करेंगे तो देन आफ्टर क्यूपोला विथ एयर प्रीहीटर इज कॉल्ड हॉट ब्लास्ट फर्नेस। ये तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। यहाँ पे देखो, यूज मेल्टिंग नॉन फेरस मटेरियल फॉर क्रूसिबल फर्नेस एंड चार्ज में आपका क्या होगा, ओर प्लस फ्लक्स इज प्रोवाइडेड इनसाइड द क्रूसिबल। ये जो क्रूसिबल चैम्बर आप दिखाई दे रहा है, इस क्रूसिबल चैम्बर को हम लोग किसका किसका बनाते थे, ग्रेफाइट और क्ले का बनाते थे। तो इस ग्रेफाइट और क्ले के अंदर हम लोग चार्ज के रूप में क्या रखते हैं, चार्ज के रूप में हम लोग रखते हैं ओर आयरन और फ्लक्स, ओर प्लस फ्लक्स। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब ये हॉट होगा तो फ्लक्स आपका क्या बनाएगा, स्लैग बनाएगा, और स्लैग को हम लोग रिमूव कर लेंगे, आयरन ओर को हम लोग कास्टिंग के लिए भेज देंगे। तो ये हमारी हो जाएगी क्रूसिबल फर्नेस। फ्लक्स इज यूज टू रिएक्ट विथ इम्प्यूटीज एंड फॉर्म स्लैग। जो फ्लक्स हम लोग यूज करेंगे वह इम्प्यूटीज के साथ रिएक्ट करके स्लैग बनाएगी और वो अलग हो जाएगी। तो ये हमारी होगी क्रूसिबल फर्नेस। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फर्नेस। इलेक्ट्रिक फर्नेस आपकी क्या होगी, लगभग देखो लगभग ये ऑल टाइप ऑफ मेटल के लिए यूज की जाती है। और क्रूसिबल फर्नेस की बात करेंगे तो देखो चार्ज रेशियो या मेल्टिंग रेशियो इज द रेशियो ऑफ मेटल फ्यूल रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग इज 10:1 फॉर क्यूपोला। इलेक्ट्रिक फर्नेस आपकी क्या होगी, फर्नेस आपकी रहेगी लेकिन वहां पे देखो ये इस तरीके से, इस फर्नेस को इलेक्ट्रिक फर्नेस कहते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या रखते हैं, मतलब आयरन ओर को रखते हैं और आयरन ओर के साथ में हम लोग क्या रखते हैं, फ्लक्स को भी रखते हैं। ये आयरन ओर प्लस फ्लक्स रखेंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड या तो कार्बन या ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, एक दो तीन, लगभग तीन इलेक्ट्रोड हम लोग यूज कर रहे हैं। अब देखो इस चैम्बर को कनेक्ट कर देते हैं नेगेटिव या पॉजिटिव आयन से और इन सबको कनेक्ट कर देते हैं नेगेटिव से, ये पावर सप्लाई दे देते हैं। जब पावर सप्लाई देंगे तो यहाँ से क्या होगा, इन दोनों के बीच में देखो यहाँ पे आयरन हमने रखा है और फ्लक्स रखे हैं, तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट होगी, जैसे हम लोग वेल्डिंग प्रोसेस में करते थे, जब आर्क वेल्डिंग वगैरह में आर्क को जनरेट करते थे, तो उस आर्क की वजह से यहाँ पे हीट जनरेट होगी। वो हीट क्या करेगी, इस आयरन को और फ्लक्स को मेल्ट करेगी। फ्लक्स आपका इम्प्यूटीज के साथ मेल्ट होकर क्या बनाएगा, स्लैग बनाएगा और वो ऊपर कलेक्ट हो जाएगा और आयरन मेल्ट होकर नीचे कलेक्ट हो जाएगा। इस बात में देखो ये ऊपर आपका क्या हो गया है, इम्प्यूटीज यानी कि स्लैग बन गया और नीचे आपका आयरन कलेक्ट हो गया। देन हम लोग क्या करेंगे, इम्प्यूटीज को अलग कर लेंगे और आयरन को सेपरेट कर लेंगे। तो इस तरीके की फर्नेस को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फर्नेस। यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक कॉयल लगी होगी, कौन कौन सी, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड या कार्बन इलेक्ट्रोड यूज करेंगे। देखो इधर से हम लोग क्या करेंगे, फ्लू गैस यहाँ से इंटर करते हैं। एक चीज़ समझो, जब हम किसी भी फर्नेस में अगर हीट दे रहे हैं तो हीट को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गैसेस का यूज करते हैं, जैसे
किसी भी, जैसे हम लोग फूंक वगैरह मारते हैं तो हम लोग ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाते हैं, ऑक्सीजन क्या होता है बर्निंग में हेल्प करता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देखो जो फ्लू गैसेस बनेंगी उन फ्लू गैसेस को ऐसे हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। ये जो ब्रिक्स आप देख रहे हैं ये हमारी क्या होती हैं, हाई रिफैक्ट्री ब्रिक्स होती हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं ईंट की दीवारें, अग्निशह ईंट की दीवारों को यूज करते हैं। तो ये हमारा होता है, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फर्नेस। और ये देखो फॉर हैवी स्टील कास्टिंग के लिए इलेक्ट्रिक फर्नेस का यूज करते हैं। तो लगभग मेटल के लिए पूछा जैसे क्यूपोला फर्नेस, कास्ट आयरन के लिए, ये अभी डिस्कस करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फर्नेस आपकी केवल और केवल स्टील के लिए, हैवी साइज स्टील के लिए यूज करते हैं। और दिस फर्नेस इज मोर सुटेबल फॉर फेरस मटेरियल, फेरस मटेरियल के लिए सबसे ज़्यादा हम लोग इलेक्ट्रिक फर्नेस का यूज करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई से आसानी से आग जनरेट कर लेंगे और हीट को कंट्रोल कर सकते हैं। देन ओपन हार्ट टाइप फर्नेस विथ इलेक्ट्रिक आर्क इज यूज्ड टू प्रोड्यूस लार्ज हीट फॉर मेल्टिंग एंड हीट रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग इज प्रोड्यूस बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक आर्क। इलेक्ट्रिक फर्नेस में हीट को हम लोग इलेक्ट्रिक आर्क के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं, प्रोसेस मैंने बता दिया। देन क्यूपोला फर्नेस देखिए, बहुत ही फेमस फर्नेस है। यहाँ पे क्या होगा, इनपुट ऑफ पिग आयरन और फ्लक्स हम लोग देंगे। फ्लक्स इसलिए देते हैं, फ्लक्स में हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट देंगे प्लस कोक देते हैं। फ्लक्स इसलिए यूज करते हैं कि फ्लक्स इम्प्यूटीज के साथ रिएक्ट करके हमारा क्या बनाए, स्लैग बनाए और उस स्लैग को हम लोग अलग कर लें। तो अब क्यूपोला फर्नेस किसके लिए यूज होती है, कास्ट आयरन को बनाने के लिए यूज होती है। पिग आयरन को हम लोग गर्म करते हैं तो हमारा पिग आयरन कन्वर्ट होता है कास्ट आयरन में। इस फर्नेस को हम लोग बोलते हैं क्यूपोला फर्नेस। यह कुछ आपका इस तरीके से होता है, ये आपका हॉलो सिलेंड्रिकल सेल होती है। ऊपर आपका क्या होता है देखो, स्पार्क अरेस्टर होता है। अभी बता रहे स्पार्क अरेस्टर क्या होता है। सबसे पहले देखो नीचे आपका एक फ्रेम बना होता है, फ्रेम चैम्बर होते हैं स्टील के। इस फ्रेम चैम्बर के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, स्टील का हॉलो सिलेंडर बनाते हैं। ये हॉलो सिलेंडर आपका डिफरेंट लेयर में हम लोग ऐसे रखते हैं। फर्स्ट लेयर में आपका क्या होता है, वेल होता है। वेल मतलब कुएं टाइप का होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ देखो इसमें अलग अलग लेयर रखते हैं। जैसे फर्स्ट लेयर अगर ऊपर से बात करें तो फर्स्ट लेयर में हम लोग मेटल को रखते हैं, सेकंड लेयर में फ्लक्स को रखते हैं, थर्ड लेयर में कोक को रखते हैं, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या रखते हैं, कोक को ही रखते हैं। तो ये सारे कोक और यहाँ पे क्या है, वुड चारकोल वगैरह फायरिंग लगाने के लिए लकड़ी के चारकोल वगैरह, वुड पाउडर वगैरह रखते हैं, लकड़ी के बुरादे। तो ये हो गया। अब जब हम लोग इस स्पार्किंग कराएंगे तो ये लकड़ी के बुरादे बर्न होंगे, फिर कोक बर्न होगा, फिर इस कोक को बर्न कराएगा, फिर ये फ्लक्स हीट मिलेगी, फिर फ्लक्स हीट करके क्या होगा, मेटल को मेल्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, मेटल मेल्ट होकर इस तरीके से नीचे आकर कलेक्ट होगा और इसे हम लोग अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं। तो ये कहलाती है हमारे क्यूपोला फर्नेस। इसका अलग अलग मेल्टिंग जोन होता है। सबसे ऊपर जहाँ मेटल होता है इसको क्या है, हाई मेल्टिंग टेम्परेचर होता है, लगभग 1600 डिग्री सेंटीग्रेड के अप्रॉक्स, क्योंकि आयरन का मेल्टिंग टेम्परेचर 1540 है। तो इससे ऊपर यहाँ का मेल्टिंग टेम्परेचर होता है, इससे कम आपका यहाँ का टेम्परेचर होता है, सबसे कम आपका नीचे का टेम्परेचर। तो ये सब आपका है क्यूपोला फर्नेस होती है। अब ये सब देखो बर्न होता है, बर्न करके इसको मेल्ट करता है, फिर आपकी फ्लू गैसेस बाहर निकलती हैं। अब फ्लू गैसेस कोक वगैरह बर्न हो रहा है तो कोक के पार्टिकल्स बाहर जाएंगे तो एटमोसफियर में ह्यूमन के लिए, आपका ह्यूमन आप सांस वगैरह लेंगे, ब्रीदिंग करेंगे तो फेफड़े में कोक वगैरह जाएगी तो उसको लंग्स को ख़राब करेगी। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्पार्क अरेस्टर यूज करते हैं। जो कोक पाउडर वगैरह जाएंगे ऊपर इस स्पार्क अरेस्टर में टकरा कर नीचे गिर जाएंगे तो केवल फ्लू गैस आपकी ऐसे बाहर निकल जाएगी। तो स्पार्क अरेस्टर का काम आपका यही होता है। तो इस तरीके की फर्नेस को डियर हम लोग क्या कहते हैं, क्यूपोला फर्नेस। क्यूपोला फर्नेस में देखो यहाँ पे आपका क्या है, चार्जिंग डोर है और यहाँ से आपका चार्ज प्रोवाइड हो रहा है। इसमें भी आपका क्या है, एयर इस तरफ से इंटर करते हैं। अब एयर इंटर करते हैं तो यहाँ पर ये जो आपके गोले गोले ट्यूब्स लगे हैं, इन गोले गोले ट्यूब्स में क्या है,
एयर जाएगी और फैल कर कम्बस्चन को बढ़ाती है। तो इस तरीके से ये हो गया। ये आपके विंड बॉक्स लगे होते हैं, ये एयर इंटर करेगी तो कहाँ से इंटर करेगी, विंड बॉक्स से इंटर करती है। देन स्टील कॉलम, आपके ये स्टील कॉलम बने होते हैं। तो कुल मिलाकर ये हमारा सिंपल सा बस इतना क्वेश्चन आएगा कि पोला फर्नेस पिग फर्नेस को कास्ट आयरन में कन्वर्ट करने के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट हमारी क्या होगी डियर, इंडक्शन फर्नेस। इंडक्शन फर्नेस हमारी क्या होगी, इंडक्शन फर्नेस में क्या है कि जैसे हम मोल्टन मेटल हमने रख लिया, ये हमारी क्या है यहाँ पे हमने ले लिया हाई रिफैक्ट्री वाल्स ले लिया। अब ये हाई रिफैक्ट्री वाल्स के अंदर हम लोगों ने क्या लगा दिया है, इंडक्शन कॉयल लगा दिया। ये सारी हमारी क्या है, इंडक्शन कॉयल। अब इन इंडक्शन कॉयल को हम लोग किसका बनाते हैं, कॉपर का बनाते हैं, कॉपर का बनाते हैं। तो जब हम करंट फ्लो कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होंगे। इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यह मोल्टन मेटल हीट होकर मेल्ट होगा, मोल्टन मेटल नहीं यहाँ का मेटल हीट होकर मेल्ट होगा। मेल्ट होकर अब देखो मेल्ट हो जाएगा तो लोअर इम्प्यूटीज ऊपर कलेक्ट हो जाएंगी, हायर इम्प्यूटीज नीचे कलेक्ट हो जाएंगी। देन हम लोग क्या करेंगे, लोअर इम्प्यूटीज को अलग कलेक्ट कर लेंगे और हायर इम्प्यूटीज को हायर अपने मोल्टन मेटल को अलग ले जाकर रख लेंगे। तो इस फर्नेस को डियर हम लोग बोलते हैं इंडक्शन फर्नेस। यहाँ पर मेटल को मेल्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट नहीं इंडक्शन करंट का यूज करते हैं, जिससे मोल्टन मेटल हमारा मेल्ट होकर यूजफुल मिल जाता है। देखिए यूज फॉर ऑल टाइप ऑफ मटेरियल, सभी टाइप के मेटल को मेल्ट करने के लिए इंडक्शन फर्नेस का यूज करते हैं। हीट ट्रीटमेंट में भी इंडक्शन फर्नेस का यूज करते हैं। आज के समय में सबसे ज़्यादा इंडक्शन फर्नेस का यूज किया जा रहा है। कॉमा देखिए यूज म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल फॉर जनरेशन ऑफ आर, और कौन सी कॉपर कॉयल लगाते हैं, कॉपर कॉयल, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कॉमा रजिस्टेंस प्रिंसिपल, हीट बराबर एच बराबर आई स्क्वायर आर टी के होता है। कॉस्ट ऑफ मेल्टिंग आपकी क्या होती है, हाई होती है क्योंकि इंडक्शन फर्नेस का यूज किया जा रहा है। तो इस तरीके से इंडक्शन फर्नेस होती है। नेक्स्ट आपकी होती है रिवर बैटरी फर्नेस। रिवर बैटरी फर्नेस में क्या होता है डियर, देखिए यहाँ से आपका क्या है, फ्लू गैसेस आपका इंटर कराते हैं। देन ये सारी हमारी क्या है, ये आपकी होती है रिफैक्ट्री वाल्स आपकी होती है, हायर मेल्टिंग टेम्परेचर होता है। अब यहाँ देखो इसमें क्या होता है, ये हम लोग चार्ज रखते हैं, यहाँ हम लोग फायर ग्रिड्स यानी कि कोक वगैरह रखते हैं। अब ये चार्ज में आपका क्या रखते हैं, हम लोग स्लैग रखते हैं। तो इस तरीके से, और यहाँ पे हम लोग अपने आयरन को रखते हैं। अब ये क्या होगा कि जब हम इस देखो यहाँ पे हम लोग फ्लू गैसेस को सप्लाई करेंगे, जब ये मेल्ट होगा तो इसको हीट करेगा, हीट करके फ्लू गैसेस ऐसे बाहर निकल जाएंगे। अब ये प्रोसेस हमारा चलता रहेगा। ये आपका कोक आपका गर्म होकर बर्न करेगा, इसको हमारा क्या होगा चार्ज को गर्म करके हीट करेगा, फिर ये चार्ज आपका इस आयरन को हीट करेगा, हीट करके इसे मेल्ट करेगा, मेल्ट करके ये इसे हम लोग बाहर कहीं ऐसे इस तरीके से कलेक्ट कर लेंगे तो उसके तरह, और ये फ्लू गैसेस आपके ऐसे बाहर निकल जाएंगी। तो इस फर्नेस को हम लोग बोलते हैं रिवर बैटरी फर्नेस। किसी भी फर्नेस के कंस्ट्रक्शन और प्रिंसिपल से क्वेश्चन नहीं आएगा, केवल नॉर्मल क्वेश्चन आएगा कि क्यूपोला कास्ट आयरन के लिए यूज की जाती है, पिग फर्नेस पिग आयरन के लिए पिट फर्नेस यूज होती है। तो ये हमारी हो गई। तो यहाँ देखो ये रिवर बैटरी फर्नेस है, यहाँ बर्नर लगे हैं, यहाँ पे देखो आपकी फ्लू गैसेस आई, इसे चार्ज को हीट करके मेल्ट हीट कराएगी और ये आपकी ऐसे निकल जाएगी। तो यहाँ पे देखो ये आपका चार्ज होगा, फिर यहाँ पे आपका क्या है मोल्टन मेटल मेल्ट होकर इस तरीके से बाहर कलेक्ट कर लेगा। अब यहाँ देखिए ये आपका हो गया रिवर बैटरी फर्नेस। आपका क्या होगा, लार्ज क्वांटिटी मेल्टिंग एट लोअर कॉस्ट, इसकी कॉस्ट आपकी कम होगी और मेल्टिंग क्या है ज़्यादा क्वांटिटी में मटेरियल को मेल्ट करता है। ये हमारा हो गया। कॉमा वेरी लार्ज स्पेस रिक्वायर्ड एंड हीट लॉस आर मोर। हीट लॉस मोर इसलिए होगा क्योंकि डायरेक्ट आपका हीट इस तरीके से फ्लू गैस के रूप में, हीट भी फ्लू गैस अपने साथ हीट को भी बाहर लेके जाती है। नेक्स्ट आप देखिए यूज फॉर ऑल टाइप ऑफ मटेरियल कॉमा
हीट सोर्स के रूप में ऑयल और गैस का यूज करते हैं। ये जो हीट सोर्स हम लोग दे रहे हैं या तो ऑयल या गैस का यूज करते हैं। तो इस तरीके से आपका हो गया कॉमा, हीट इज ट्रांसफर्ड बाय मीन्स ऑफ कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। जो हीट यहाँ पे हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं थ्रू द कन्वेक्शन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट या फिर रेडिएशन के थ्रू कर रहे हैं, तो ये हमारा होता है। तो इस तरीके से हमारा ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बियर क्या था, फर्नेस था, जिसमें हम लोगों ने क्यूपोला फर्नेस पढ़ा, इलेक्ट्रिक फर्नेस पढ़ा, क्रूसिबल फर्नेस पढ़ा। अच्छा, क्रूसिबल फर्नेस जो हम लोग देख रहे थे, यहाँ पे जो मेटल कलेक्ट होता है, कलेक्ट होकर नीचे देखें एक चैम्बर बनता है और इस तरीके से ये ऐसा चैम्बर बनता है। देखो ये हम लोग क्या करते हैं, जब भी स्लैब को अलग करना होता है, मान लो ये मोल्टन मेटल हो गया है। अब आप ऐसा सपोज करो कि यहां तक देखो, ये जो हाई डेंसिटी वाला ये आपका क्या है, मोल्टन मेटल है। इसके ऊपर आपका क्या है, ये आपका क्या बना हुआ है, स्लैग बना हुआ है। अब आपको पता है कि स्लैग की डेंसिटी लो होगी तो स्लैग मोल्टन मेटल के ऊपर ही इकट्ठा होगा। एक ओपनिंग यहां से हम लोग दे देते हैं डियर, इस ओपनिंग को हम लोग कुछ हाइट पर देते हैं, दूसरी ओपनिंग हम लोग क्या दे देते हैं, लोअर एंड पर दे देते हैं। अब लोअर एंड पर जिस ओपनिंग को देंगे तो वहां से 100% क्या होगा, मोल्टन मेटल बाहर आएगा। कौन सा मतलब, मोल्टन मेटल जो स्लैग से फ्री होगा, हाई डेंसिटी मेटल ही इसके अंदर से ऐसे आकर यहाँ पे कलेक्ट होगा और यहाँ से ये स्लैग ऊपर कलेक्ट है तो ये स्लैग ही आकर यहाँ पे कलेक्ट होगी। तो इस तरीके से स्लैग को हम लोग अलग करते हैं और मोल्टन मेटल को अलग करते हैं। ये था माय डियर हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्नेस, और हमने क्या किया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कास्टिंग डिफेक्ट को पढ़ा। तो इस तरीके से हम लोगों ने डियर कास्टिंग टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट किया। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में कास्टिंग प्रोसेस से रिलेटेड जितने भी मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो हमारे एग्जाम पार्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट होंगे, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए माय डियर, आज का टॉपिक हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। थैंक यू माय डियर।